हेलो आरती। मौली क्या हुआ? नहीं, वो चारू। क्या हुआ चारू? कहाँ है वो? पापा ने चारू को घर से निकाल दिया। व्हाट? हाँ नहीं, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। पापा को फोन दो, मुझे उनसे बात करनी है। वो कहीं चले गए हैं और वो किसी से बात भी नहीं कर रहे। आप भी कुछ कर सकती हैं, प्लीज दी। क्या हुआ? मामा, पापा ने चारू को घर से निकाल लिया। क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चारू इस वक्त कहाँ होगी? कशिश, पिंकी, मैं कशिश बोल रही हूँ, चारू की बहन। पिंकी, क्या चारू का कोई फोन आया? रोकना। कशिश, चारू का है तुषार? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चारू कहाँ है? मुझे क्या पता चारू का है? क्यों, अब तो मैं उसकी परवाह नहीं। कल रात तुमने उसके साथ जो कुछ... कल रात को कुछ नहीं हुआ कशिश, वो सब एक गलत फहमी है। ओ रियली? मैंने अपनी आंखों से जो देखा उसे तुम्हें गलत फहमी कह रहे हो? तुमने मेरी बहन के साथ जो किया... बिलीव मी कशिश, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, मैं थोड़ा नशे में था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और चारू मुझसे प्यार करती है, पर मैं उससे प्यार नहीं करता। वो मुझे अपना बनाना चाहती है और हो सकता है इसीलिए उसने ये सब प्लानिंग। तुषार, ये गलती मत करना कशिश। चारू, इससे तुम्हारे साथ जो किया वो मेरे और तुषार के बीच की बात है। तुम कौन होती हो बीच में आने वाली? चारू, ये तो मैं सही कह रही हूँ, मेरे और तुषार के बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। चारू, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम घर वापस लौटो। किस घर की बात कर रही हो तुम? जहाँ से मुझे निकलवा चुकी हो? अब तक तो मेरा प्यार छीनती आई थी, लेकिन आज आज मेरे पापा और उनके विश्वास को भी छीन ली। चारू, ऐसी बात नहीं, न्यूज़पेपर में जो खबर आई थी पापा ने उसे पढ़कर... देखो चारू, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं करूंगी पापा से बात, मैं समझाऊंगी उन्हें कि वो तुम्हें घर वापस लेकर आए। इतना महान बनने की कोई जरूरत नहीं है कशिश, अगर सच में ही तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो सिर्फ इतना करो, मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। चारू, तुम Because I don't want to see your face. I said just leave. चारू, क्या हो रहा है? क्या कर रही हूँ मैं? चाहती हूँ तुम्हें, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए हमारे बीच जो कुछ भी हो... नहीं, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं कशिश से प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम कह रही हो कि This is not possible. जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरी तरफ पीठ करने से सर झूठ नहीं बन जाएगा तुषार। कोई भी लड़की अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लेगी जब तक कि उसके साथ ऐसा हुआ ना।
लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि ये सब झूठ है तो तुम जा सकते हो। लड़की अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लेगी जब तक कि उसके साथ ऐसा हुआ ना। मुझे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने दिया और बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, I love you चारू। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं चारू के साथ, ये नामुमकिन है। मैं नहीं जानता कि सच क्या है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ कशिश से प्यार किया है। इससे बड़ा सच मेरे लिए और कोई नहीं। क्या हुआ दी, आप रो क्यों रही हैं? मैं चारू से मिली थी, मैंने उसे घर लौटने के लिए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। हर बात के लिए हमेशा की तरह वो मुझे जिम्मेदार ठहरा रही। मैं तुम ही बता, क्या मैं उसके लिए कभी ऐसा सोच सकती हूँ कि वो अपने घर से दूर रहे, पापा से दूर रहे? आखिर ऐसा क्या किया है मैंने महक कि उसका अच्छा सोचने के बावजूद वो हर चीज के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराती है? क्यों ऐसा? दी, ये उसके लिए आपका प्यार है जो आप इतना कुछ कर रही हैं, और इन सब बातों की वजह भी आपका प्यार ही है दी। आप उसे प्यार करती रहेगी और वो आपको ठुकराती रहेगी, फिर भी आप उसे चाहेंगी, और यही तो आपको मेरी कशिश दी बनाता है ना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था ऐसा कुछ मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देख लो आज कहां पहुंच गई हूं मैं। तुम्हारी वजह से मेरा घर, परिवार, यहां तक कि तुषार का साथ, तुषार मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। Come on, chill babes. मेरे रहते हुए तुम कभी नहीं हार सकती। लेकिन तुषार मेरा कभी नहीं होगा, वो सिर्फ कशिश को चाहता है। वो सिर्फ तुम्हारा होकर रहेगा। Come on. फिलहाल तुम्हें अपनी टेंशन छोड़ के मेरे साथ चले, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। कम ऑन, ट्रस्ट मी, आई एम योर फ्रेंड चारू। कम ऑन, इतना क्या सोच रही हो? लेट्स गो। ये किसका घर है स्वयं? अब तक तो ये मेरा घर था, लेकिन आज से ये तुम्हारा घर है। तुम्हें ने मुझसे कहा था ना कि मैंने तुमसे तुम्हारा घर और पूरा परिवार छीन लिया, तो चलो
घर तो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन एक वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारा पूरा परिवार भी तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारा प्यार तुषार भी, और इन सब में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा दोस्त। स्वयं उस दिन मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही कह दिया था, इन सब बातों के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। यू रियली आर माय ट्रू फ्रेंड। अगर तुमने मुझे कभी भी अपना दोस्त समझा है तो ये सॉरी और थैंक यू कहना बंद कर दो। और हाँ, अब तुम यहाँ आराम करो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। ओके बाय। ये अच्छाई की बातें तुझे सूट नहीं करती स्वयं, लेकिन जारू को क्या पता, जो भी मैं कर रहा हूं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। अब अगर इसमें चारू का थोड़ा भला हो जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ता। नो प्रॉब्लम, मैं तो सिर्फ सुजल और कशिश को अलग करना चाहता हूं, और वो भी हमेशा के लिए, और वो हो रहा है। यू टू विकेट, वेरी विकेट, बड़ा लाइक इट। हाँ, लड़की को देखा तूने? So hot man. Yeah man. She is hot. And I wish I was with her. तेरे पास कोई आइडिया उसको पटाने की? हाँ. तो देना. क्यों? उसे मैं खुद इस्तेमाल करूँगा. Bad boys, bad boys. You wait. And watch. What's a nice girl like you doing in a dirty place like my mind? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत अच्छी डांसर हो। Shall we dance? बात अगर डांस की हो रही है तो I'm a better dancer. मेरे साथ क्यों नहीं डांस करती हो? You want something? Yeah. A date. You both want a date? Actually, I wanted to be with you. Interesting. No. Focused. तुम लोग मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? घर? Actually, मेरे पति बाहर गए हुए हैं and उन्होंने कहा है कि घर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और बचपन में मेरे मम्मा ने मुझसे कहा था कि जब घर जाने का वक्त हो जाए तो घर पहुंच जाना चाहिए, फिर वो घर किसी का भी क्यों ना हो। Thank you. Rishi, you तो married निकली यार। Shit यार। अब तू नहीं आ पाएगा ना? एक काम कर, तू यहीं पर रुक जा। मैं जाकर आता हूँ। ऋषि, क्या है? उसने इतने प्यार से बुलाया, नहीं जाऊंगा तो बुरा मान जाएगी। मैं भी आता हूँ। चल। मेरा यकीन मानो अर्चिता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुषार, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, पर कोई और तुम पर क्यों विश्वास करेगा? वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? देखो, याद करो, ठीक से याद करके बताओ कि उस रात पार्टी में क्या क्या हुआ। उस रात मैंने कुछ ड्रिंक्स लिए थे और उसके बाद दिखता नहीं है तुम्हें। सॉरी सर, इसे माफ कर दीजिए, गलती हो गई सर। सर प्लीज सर, अब ग्रीन रूम में जाकर अपना कपड़ा साफ कर लीजिए। सर ये रूम नहीं, वो रूम सर, वो रूम। लेकिन ड्रिंक्स का मेरे कपड़ों पर गिरना और उसके बाद मुझे उसी रूम में भेजना।
I think that was a trap. लेकिन तुषार, अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब चारू ने किया तो तुम गलत हो. I mean, कोई लड़की ऐसा क्यों करेगी? नहीं, चारू नहीं, मेरे ख्याल से ये स्वयं है. क्योंकि चारू के अलावा एक वही शख्स है जो नहीं चाहता कि मैं कशिश के पास रहूं. इसलिए उसने मुझे फंसाने की कोशिश की. आई एम श्योर ही इज द कल्प्रिट. मुझे माफ कर दो मौली, मैं चारू को वापस नहीं ला पाई. ला नहीं सकी या लाना नहीं चाहती थी? कनन, ये तुम क्या कह रहे हो? दी, ये घर टूटा जा रहा है और आप जो इसे जोड़ने वाली समझी जाती है, सॉरी, जो से खुद इसकी जिम्मेदार. आपने अपने आप को तुषार से अब तक दूर क्यों नहीं किया जब आप जानती हैं कि सूरज जी जो जिंदा है तो अब भी तुषार के साथ? कनन, कुछ भी कहने से पहले कम से कम ये तो सोच लो कि तुम क्या कह रही. शी इज राइट दी, और हमें इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी. वैसे भी पापा आ गए तो आपका ही सपोर्ट करेंगे और चारों को लाना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा. सो प्लीज दी, यहां से चले जाइए, प्लीज. स्वयं, स्वयं, अब क्या चाहते हो तुम? इतना सब तो कर चुके हो, अब क्या सारा इल्जाम स्वयं पे डालोगे? अक्षत, तुम भी मुझे? मैं भी तुम्हें क्या? तुषार, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया. मैंने कुछ नहीं किया. झूठ बोल रहे हो तुम. मेरी आंखों के सामने तुमने चारू के साथ. कम से कम तुम तो मुझे गलत मत समझो अक्षर. तुम जानते हो कि मैं सिर्फ कशिश से प्यार करता हूँ. चारू को मैंने कभी इस नजर से देखा ही नहीं. चारू तो तुम्हारा प्यार है. और प्यार की बातें तुम्हारे मुंह से बिल्कुल नहीं अच्छी लगती तुषार. तुमने कशिश के प्यार को ही नहीं बल्कि मेरी दोस्ती को भी गाली दी है. तुम्हें तो मैंने अपना दोस्त माना था तुषार, लेकिन तुमने मेरे पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया. देखो अक्षत, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर. अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता. आज अगर मैं चला गया तो बहुत सारी गलत फहमी तो मुझे थी तुम्हारे बारे में, लेकिन आज तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है. अरे तुम तो स्वयं से भी गए गुजरे हो. स्वयं जो कुछ भी करता है सबके सामने करता है. तुम्हारी तरह पीठ के पीछे धोखा नहीं देता. देखो अक्षत, शट अप आइंदा मेरे सामने मत आना. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को.